बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थ्योरम है रियल एनालिसिस की। द ऑर्डर फील्ड क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट कम्प्लीट, यानी ऑर्डर एग्जियम को क्यू सेटिस्फाई करता है और फील्ड एग्जियम को सेट ऑफ जो रैशनल नंबर है जिसे क्यू से डिनोट करते हैं वो सेटिस्फाई करता है। दोनों ही एग्जियम को, ऑर्डर को और फील्ड को क्यू सेटिस्फाई करता है। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है क्यू, और हम लोग जानते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो भी इन दोनों को ही सेटिस्फाई करता है, लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर कम्प्लीटनेस एग्जाम को भी सेटिस्फाई करता है। हमें ये यहाँ प्रूव करना है कि ये क्यू जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये कम्प्लीटनेस एग्जाम को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले तो जो डेफिनेशन होती है कम्प्लीटनेस की उस पे जाना पड़ेगा। उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि एवरी नॉन एम्प्टी बॉन्डेड अबव subset of R has a supremum in R। तो यहाँ पर जो हम लोग थ्योरम में ये जो इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है वो R के कम्प्लीटनेस होने के लिए था, लेकिन हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है वो क्यों कम्प्लीटनेस एग्जाम को सेटिस्फाई नहीं करती ये प्रूव करना है, यानी क्यों कम्प्लीट नहीं है। तो आर जब कंप्लीट था तो उसके लिए ये होना चाहिए कि जो एक हम ऐसा सबसेट लें जो कि नॉन एम्प्टी हो, बॉन्डेड अबव हो और ये सेट ऑफ आर का सबसेट हो, और इसका जो सुप्रीमम हो वो भी एक रियल नंबर में ही हो जिसका कोई सेट सबसेट था जिस जो कि नॉन एम्प्टी था और बॉन्डेड अबव था कोई सबसेट आर का, और उसका जो सुप्रीमम था वो भी रियल नंबर में था, तब कहेंगे कि आर जो है वो एक कंप्लीट नेट एग्जाम को सेटिस्फाई करता है। और ये हमने यहाँ पर एक टर्म है एवरी, यानी आर के जितने भी सबसेट हैं वो इस शर्त को अगर पूरा करते हैं तब आर जो होगा वो कहलाएगा कम्प्लीटनेस एग्जाम को सेटिस्फाई करता हुआ। तो अब हम अगर इसी चीज़ को सेट ऑफ रैशनल नंबर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हमें आर की जगह पर क्यू में चेंज करना होगा, लेकिन ये तो थ्योरम थी तो लिखा हुआ था आर, लेकिन अब हम अगर चेंज करेंगे तो फिर ये थ्योरम नहीं कहलाएगी, क्योंकि हम लोग को यही प्रूव करना है कि ये कम्प्लीटनेस नहीं है, यानी ऐसा नहीं लिख सकते हम, लेकिन प्रूव करने के लिए हमें यही इसी डेफिनेशन का यूज़ करना है। यानी हम यहाँ से एवरी है तो कोई भी यहाँ से आर का सबसेट उठा लेंगे जो कि नॉन एम्प्टी होगा और सॉरी बॉन्डेड होगा, लेकिन उसका सुप्रीमम भी होना चाहिए क्यू में, जो कि नहीं होगा तो हम कह देंगे कि ये जो Q में हमने कन्वर्ट किया इसको स्टेटमेंट को तो ये कम्प्लीटनेस एग्जाम को सेटिस्फाई नहीं करेगा सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो हमें एक सबसेट लेना है, माना कि S यहाँ से अपना थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट हो गया, वहाँ पर एक प्लानिंग थी हमारी कि एक S सबसेट लिया है जो कि रैशनल नंबर का है, और रैशनल नंबर भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में से एस को लें, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर खुद रैशनल नंबर का सबसेट होगा, तो अल्टीमेटली एस जो होगा वो क्यू का सबसेट होगा। यानी हमने एस एक ऐसा सेट माना है जिसके एलिमेंट ऐसे हैं एक्स एस जेड एक्स, ये बिलोंग कर रहे हैं क्यू प्लस को, और इस शर्त को और पूरा करें एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन टू हो, यानी जितनी इस शर्त को पूरा करने वाले एलिमेंट होंगे वो एस में रखे जाएंगे, और देख रहे हैं एस यहाँ पर सबसेट है क्यू का। तो
कोई भी हमें उठाना चाहिए एक सबसेट जो नॉन इमिटिव हो, बाउंडेड अबव हो और वो सबसेट हो इस क्यू का, तो वो उसका सुप्रीमम भी अगर क्यू में होगा तो प्रूव हो सकता है, लेकिन हमें प्रूव करना कि नहीं होगा। तो ये सुप्रीमम यानी हम दिखाएंगे कि ये क्यू को बिलोंग नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि क्यू जो है वो एक नॉन एम्प्टी है, ये तीनों ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगी, नॉन एम्प्टी है। तो देख रहे हैं कि वन यहाँ पर क्लियरली बिलोंग कर रहा है एस को, क्योंकि वन का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो इस शर्त को पूरा कर रहा है कि वन लेस है टू से, वन का स्क्वायर लेस है टू से, क्योंकि और साथ में ये जो नंबर है वो क्यू प्लस को भी बिलोंग कर रहा है, यानी रेशनल नंबर है वन, इसलिए पी अपन क्यू की टर्म में लिखा जा सकता है, और पॉजिटिव भी है तो ये क्यू प्लस को बिलोंग कर रहा है, तो वन तो इसका एलिमेंट है, यानी वन बिलोंग कर रहा है एस को, तो ये नॉन एम्प्टी हो गया कोई भी एक क्यू का सबसेट। अब हम इसे बताना होगा ये बाउंडेड अबव लेना होगा। तो मान लिया कि एस जो है इज बाउंडेड, ये बाउंडेड है, बाउंडेड अबव अबव, और टू इसका ले लेते हैं अपर बाउंड, टू बीइंग एन अपर बाउंड। अपर बाउंड की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं फॉर एस, कि अपर बाउंड वो एलिमेंट होता है जिससे इस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो छोटे होंगे या इक्वल होंगे, यानी इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट एस का नहीं हो सकता, डेफिनेशन से भी क्लियर हो रहा है। तो टू इसका क्लियरली ये अपर बाउंड हो गया। इस तरीके से अपर बाउंड की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, यानी हमें प्रूव करना होता है किसी को कम्प्लीटनेस या होना या ना होना थ्योरम के लिए, कि उसका हर एक उस सेट जिसको हमें कम्प्लीटनेस बताना है उसका हर एक सबसेट नॉन एम्प्टी हो और बाउंडेड हो अगर, और उसी सेट का जिसको हमें प्रूव करना है कि ये जो है कम्प्लीटनेस है या नहीं, तो उसका सुप्रीमम निकालें वो भी उस सेट को बिलोंग करे, यानी क्यू को, या अभी हम आर में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं उसमें, क्यू में तो होता ही नहीं है। तो हमने क्यू को, चूँकि क्यू के बारे में बातचीत चल रही थी, क्यू का एक सबसेट ले लिया, नॉन एम्प्टी दिखा दिया, उसका एक वांट अबर बाउंडेड है ये दिखा दिया। अब हम यहाँ पर एक इसका सुप्रीमम लेंगे और प्रूव कर देंगे कि सुप्रीमम जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बस यहीं से प्रूव हो जाएगा कि क्यू जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हर एक कंप्लीट होने के लिए हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो है उसका सुप्रीमम एक रैशनल नंबर होना चाहिए था, जो कि नहीं होगा, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हम लोग एक सुप्रीमम मान लेंगे अगर पॉसिबल हो तो, मान लेते हैं कि इसका जो एक अल्फा जो है एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है रेशनल नंबर, और साथ में इसका मान लिया हमने ये सुप्रीमम अगर पॉसिबल है तो। अब क्लियर सी बात है कि ये जो अल्फ़ा होगा वो या तो बड़ा होगा टू से, या टू के इक्वल होगा, या टू से कम होगा, तो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ही होगा ये अल्फ़ा, यानी कोई भी नंबर इन तीन कंडीशन में को जरूर फॉलो करता है, कोई भी यहाँ पर नंबर ले सकते हैं, हमने अपने हिसाब से टू लिया है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहले ही बता दें, इसको रूल आउट कर दें कि अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू टू के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर टू लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू जब निकालेंगे रूट टू हो जाएगा, रूट टू तो हम 10 क्लास से प्रूव करते आ रहे हैं कि ये रूट टू इरेशनल नंबर है। इस तरीके से अल्फ़ा जो है वो बिलोंग नहीं करेगा क्यू को,
और ये होना ज़रूरी था अगर ये कम्प्लीटनेस है तो हम सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो अभी ये बता दिया कि ये इतना तो नहीं हो सकता, यानी ये हो सकता है कि अभी ये हो कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों में से हो, यानी इसका जो बॉन्ड है वो भी तो फिक्स नहीं है कि कितना होगा, ये भी इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता, लेकिन अपर बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पर अल्फा अगर हम 2 ले लेते हैं तो वो इरेशनल बनेगा, लेकिन वो रेशनल भी हो सकता है, इनसे रेशनल हो जाए वो। तो हमें अब ये देखना है कि क्या अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेने पर या अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 2 होने पर क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने से हमारा अल्फ़ा जो है वो क्यू को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, या एस का सुप्रीमम जो हमने मान लिया है होगा या नहीं। तो प्रूव ये करना है कि नहीं होगा, क्योंकि क्यों प्रूव करना है कि ये एक कंप्लीट कंप्लीट एग्जाम को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो उसके लिए हमें एक अलग एक रेशनल नंबर को डिफाइन करना पड़ेगा, उसका नाम दे दिया बीटा, और उसकी वैल्यू यहाँ से लिखे हैं इस तरीके से 2 अल्फ़ा प्लस का 3, 3 अल्फ़ा प्लस का 4, और ये देखेंगे पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि 2, 3, 4 सारे पॉजिटिव हैं, अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा जो है यहाँ पर जो हमने लिया है एक अपर बाउंड लिया है, और अपर बाउंड जो होता है वो एस के जितने भी एलिमेंट होंगे सबसे बड़ा होगा, और एस के एलिमेंट सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए सारे सारे पॉजिटिव हैं और सभी जो हैं वो 2 से छोटे हैं, और इस तरीके से वो अपर बाउंड जो होगा वो 2 या 2 से जस्ट छोटा होगा। तो इस तरीके से कोई भी निगेटिव यहाँ आने के चांस नहीं है, पॉजिटिव है, और सारे नंबर जो हैं वो रेशनल हैं, तो इनका प्लस माइनस इनटू डिवीजन सब एक रेशनल नंबर ही आएगा, सब पॉजिटिव थे, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा ये बीटा। अब हम दो टर्म यहाँ पर निकाल रहे हैं, एक है अल्फा माइनस का बीटा, जो बीटा लिखा है बीटा की वैल्यू ये ली है 3 अल्फ़ा प्लस 4 और 2 अल्फ़ा प्लस का 3, अपान बंद करते हुए एलसीएम ने 2 अल्फ़ा प्लस का 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फ़ा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे -3 अल्फ़ा -4, 3 अल्फ़ा से 3 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेने पर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अपान 2 अल्फ़ा प्लस 3, ये वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के ही छोड़ दें। अब एक वैल्यू और निकाल के रखें, 2 माइनस बीटा स्क्वायर, तो बीटा की 2 माइनस और बीटा की वैल्यू जो मानी थी हमने 2 अल्फ़ा प्लस का 3 और 3 अल्फ़ा प्लस का 4, इसका स्क्वायर है तो कर दें, तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 अल्फ़ा प्लस 4 का भी स्क्वायर और 2 अल्फ़ा प्लस 3 का होल हाफ स्क्वायर, और अपान बंद करते हुए एलसीएम लेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 3 का होल हाफ स्क्वायर, तो इसका 2 हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 3 का होल हाफ स्क्वायर माइनस का 3 अल्फ़ा प्लस 4 का होल हाफ स्क्वायर। होल हाफ स्क्वायर जब इसको ओपन करेंगे तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6 अल्फ़ा और माइनस का होल हाफ स्क्वायर करेंगे तो 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 12 अल्फ़ा अपान में 2 अल्फ़ा प्लस 3 का होल हाफ स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 8 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का 18 प्लस का 12 अल्फ़ा -9 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 16 माइनस का 12 अल्फ़ा, 12 अल्फ़ा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 अल्फ़ा प्लस 3 का होल हाफ स्क्वायर, और ये वैल्यू बचेगी 2, 18 में से 16 माइनस जाएगा और अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर अपान 2 अल्फ़ा प्लस 3 का होल हाफ स्क्वायर, ये 2 माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, इन इक्वेशन की हेल्प से हम इस पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट करेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 2, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती, ये तो देख लिया था, क्योंकि अगर 2 होती तो हमारा रिजल्ट निकल आता कि अल्फ़ा इरेशनल होता, जबकि रेशनल नंबर जो है होना चाहिए,
कंप्लीटनेस के लिए, तो हो सकता है कि अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर दैन टू हो या अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू लेस दैन टू हो, तो इनको भी हमें नकारना है कि ये नहीं हो सकते। अगर ये होंगे तभी हमारा जो कंडीशन है यानी थ्योरम जो बताई थी थ्योरम ये बताई थी कि ये नहीं होगा, ये थ्योरम थी एवरी नॉन एम्प्टी बॉन्डेड अबव सबसेट ऑफ क्यू हैज़ सुप्रीमम नेम क्यू, अगर ये क्यू कम्प्लीट नेट एग्जाम को सेटिस्फाई करता, ये आर के लिए पहले लिखी थी, तो सुप्रीमम क्यू में मौजूद नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू अगर ये लेते हैं ग्रेटर देन टू लेते हैं और इसको हम अगर इक्वेशन नंबर वन में रखें, इक्वेशन नंबर वन जो हमारे पास है, अगर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू दो से अगर बड़ी लेते हैं, अगर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू टू से ग्रेटर ली तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो उस केस में ये वैल्यू जो होगी इक्वेशन नंबर वन से ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो अल्फ़ा माइनस बीटा जो होगा पॉजिटिव यानी ज़ीरो से बड़ा होगा, क्योंकि अपान में तो ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब ये वाली पॉजिटिव होगी, और इस तरीके से बीटा को ट्रांसफर करेंगे अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा हो जाएगा। ये तो इक्वेशन नंबर वन से आया, और इक्वेशन नंबर सेकंड से हम देखें सेकंड को, अगर अल्फ़ा स्क्वायर ग्रेटर होगा टू से तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, यानी टू माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो से लेस आएगी, इसको उधर ले जाएंगे बीटा को, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है टू से बड़ी दिख रही है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू टू से ग्रेटर आ रही है और अल्फ़ा की वैल्यू उससे भी बड़ी है, अल्फ़ा की वैल्यू उससे भी बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा की वैल्यू इस नंबर लाइन पर अगर हम इसे डिनोट करके थोड़ा सा देखें कि अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी है बीटा से, और इस कंडीशन को भी बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें कि ये कंडीशन ये शो कर रही है कि एस जो सेट लिया था हमने उसका ये बीटा हो जाएगा सुप्रीमम, तो बीटा ही सुप्रीमम हो जाएगा, जबकि हम लोग मान के चले थे अल्फ़ा सुप्रीमम है, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो उससे पता चल रहा है बीटा सुप्रीमम है, और हम लेके चले थे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा से भी एक छोटी वैल्यू हमको मिल चुकी है जो है बीटा है, तो इसका मतलब अल्फ़ा जो है वो सुप्रीमम नहीं होगा, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू सुप्रीमम की जो डेफिनेशन होती है कि एस के सारे एलिमेंट उससे छोटे हों लेकिन वो जितने भी बॉन्ड हों उन सबसे छोटा हो, यानी एस के तो सारे एलिमेंट अल्फा से भी छोटे हैं लेकिन इससे भी छोटा एक एलिमेंट हो जाए यहाँ पर दिखाई दे रहा है बीटा, जिस अल्फा से छोटा है लेकिन एस की जो एलिमेंट है यहाँ से पता चल रहा है एस के सारे एलिमेंट उससे छोटे हैं बीटा से, तो इस केस में सुप्रीमम कहलाएगा बीटा और अल्फ़ा फिर सुप्रीमम नहीं रहा, यानी अगर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर दैन टू ली तो इससे रिजल्ट ये निकल रहा हमारा इन दोनों इक्वेशंस को देखते हुए कि जो सुप्रीमम ऑफ हमारा जो सेट था वो उसका अल्फ़ा नहीं है सुप्रीमम। अब हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं इसी तरीके से, इफ़ अगर ऐसा हो कि अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू लेस देन टू ले लें, दूसरी कंडीशन तीन थी, तीन में से जो थर्ड वाली कंडीशन रहेगी, अब इसको इक्वेशन नंबर वन में डाल के देखें, अगर अल्फ़ा छोटा है तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा ये अल्फ़ा छोटा है तो अगर टू को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू छोटा हो जाएगा ज़ीरो, यानी कि उधर ज़ीरो बचा टू उधर ले जाने पर, तो यानी ये वैल्यू तो पॉजिटिव नीचे तो ये वैल्यू ज़ीरो से छोटी यानी नेगेटिव हो गई, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा छोटा हो जाएगा ज़ीरो से तो अल्फ़ा छोटा हो जाएगा बीटा से, तो अल्फ़ा छोटा हो जाएगी बीटा से, तो यहाँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर अल्फ़ा छोटा हो गया बीटा से
तो बीटा हो गया, अगर ये अपर बाउंड भी है ये इस सेट एस यहाँ तक ले लें अगर, उसके सारे एलिमेंट अल्फा से छोटे होंगे और बीटा से भी छोटे होंगे, तो अल्फा बीटा दोनों ही अपर बाउंड हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो इससे छोटा है तो हो सकता है कि ये सुप्रीमम हो, क्योंकि अपर बाउंड जो सुप्रीमम जो होता है जितने भी अपर बाउंड उनमें सबसे छोटा होता है, तो हो सकता है ये सही हो। लेकिन अब हमें दूसरी इक्वेशन को देखना होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अल्फा स्क्वायर छोटा है 2 से। तो दूसरी इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन में अगर रखें क्या छोटा है अल्फा स्क्वायर, अगर छोटा है 2 से तो इसको उधर ले जाएंगे तो 0 बचेगा और 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन नंबर में 2 में 2 माइनस अल्फा स्क्वायर आ रहा, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 से 2 माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और ये पॉजिटिव आएगी तो बीटा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू नज़र आ रही है 2 से कम नज़र आ रही है। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू को 2 से अगर कम होगी तो इसका सीधा मतलब एस की डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि बीटा जो होगा वो बिलोंग करेगा एस को, बिलोंग करेगा सेट जो हमने लिया था, सबसेट लिया था क्यू क्यू का, वो जब ये वी को बिलोंग करेगा तो एस के अंदर ही, सेट के अंदर ही एलिमेंट मौजूद है बीटा। तो अल्फा जबकि बताया गया है यहाँ से, अल्फा जो बताया गया है, सॉरी कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे, तो अल्फा बताया गया इससे भी छोटा है। जब अल्फा छोटा हो जाएगा नंबर लाइन पर, छोटे वाले को इस तरफ लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस वाली कंडीशन से निकल रहा था पहले वाली इक्वेशन से, अल्फा छोटा हो गया बीटा से और ये एस बीटा जो है एस का एलिमेंट है, तो डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा ये सुप्रीमम की, क्योंकि सुप्रीमम वो एलिमेंट होता है जो एस के हर एक एलिमेंट से बड़ा होता है। तो यहाँ तो छोटा निकल रहा, यानी ये वाली कंडीशन लग रही है, तो इसलिए सुप्रीमम नहीं हो सकता, क्योंकि एस अगर ये कंडीशन थी तो चल जाती, लेकिन बीटा बन गया अगर एस का एलिमेंट बन गया तो ये एस के एलिमेंट से छोटा नहीं होना चाहिए सुप्रीमम, ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ये छोटा हो गया, इम्पॉसिबल या नहीं सुप्रीमम अल्फा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो सेट है हमने लिया था, यानी एक सेट लिया था, जबकि कम्प्लीटनेस एग्जाम के लिए ज़रूरी है कि क्यू जिसके भी बारे में हमें बताना चाहें, कम्प्लीटनेस क्यू के बारे में बताना था, तो इसका हर एक एवरी सेट एवरी सबसेट नॉन एम्प्टी बाउंड अपर बाउंडेड, उसके हर एक सेट का किसी भी सेट का जो सुप्रीमम है वो इसको बिलोंग करना चाहिए, तो क्यों, तो सुप्रीमम इसको लेके चले थे यानी अल्फा, और देख लिया कि वो किसी भी रेशनल नंबर को डिनोट नहीं कर रहा, हो ही नहीं सकता इस किसी इस क्यू का कोई सबसेट जो कि नॉन एम्प्टी अपर बाउंडेड है, इस क्यू उस इसका सुप्रीमम क्यू को बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि हमने तीनों ही कंडीशन देख ली कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू या तो 2 होती, एस का स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 2 होती, तो ये अगर अल्फा अगर वास्तव में क्यू को बिलोंग करता तो यहाँ तो देख रहे थे क्यू को बिलोंग ही नहीं कर सकता था अल्फा, और इसमें अगर हमने मान लिया कि ये अल्फा क्यू को बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन के साथ में हमारा ये जो अल्फा है वो प्रूव हो चुका कि किसी भी इस वाले सेट का, इस सेट का जो है वो सुप्रीमम नहीं हो सकता, जबकि सुप्रीमम होने जबकि क्यू सेट के कम्प्लीटनेस होने के लिए इसका जो भी सेट हो कोई भी सबसेट हो उसका हर एक का सुप्रीमम क्यू को क्यू में होना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका सुप्रीमम क्यू में एग्जिस्ट नहीं है, तो इसलिए सेट ऑफ रेशनल नंबर
नहीं होगा, कंप्लीटनेस एग्जाम को सेटिस्फाई नहीं होगा करेगा, और यही वो प्रॉपर्टी है जो रेशनल नंबर को रियल नंबर से अलग करती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग।